खमंगनी गाइज, वेलकम बैक टू माय टुडेज न्यू व्लॉग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दिवाली की सफाई हो गई थी, लास्ट में रहा था एक कूलर और एक फ्रीज भी बाकी है अभी साफ़ करना। ये कूलर रहा था तो मैं कर रही हूँ इसकी सफाई। देखो बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा। तो खाना मेरा हो गया था ऑलमोस्ट, झाड़ू पोछा सारा काम हो गया था और आज का पूरा दिन इसको सफाई करने में गया। पूरा गंदा हो रहा, देखो अब बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने इसको, बिल्कुल क्लीन कहा। आज मैंने बहुत अच्छे से साफ़ इसकी सफाई करी है। फिर शाम को ये चाय पी के फिर आ गए थे हम लोग मार्केट में। मार्केट की रौनक देखो, ये है रतन पैसे की शॉप जो बहुत ही अच्छी डेकोरेट कर रखी है उन्होंने। और जयपुर का नज़ारा ही कुछ और होता है दिवाली के टाइम पर, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है। और ये डीमार्ट की सजावट देखो जो बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे इतना रस था आज, बहुत ज़्यादा रस। सीढ़ियों में भी जगह नहीं थी, लिफ्ट तो दूर की बात। और फिर आते वक्त हमने खाई पानी पूरी, और चाहे कुछ भी हो मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं बट पानी पूरी नहीं छोड़ सकते। बाहर जाए और पानी पूरी नहीं खाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने खाने की पानी पूरी और बच्चों के लिए ले गए थे बड़ा पाव। तो उसके बाद में कोई काम नहीं था तो मैंने कहा कान्हा जी के लिए मैं एक चिल्ला बना देती हूँ। कान्हा जी के लिए मैंने चिल्ला बनाया और काम नहीं है तो मैंने सोचा कुछ बेसन की बर्फी ट्राई करने का सोच रहे थे तो वही ट्राई कर दिवाली पे बनाने के लिए। तो आज थोड़ी सी बना के वही ट्राई कर रहे हैं। तो पहले हमने घी डाला, इधर हमारे बच्चे कर रहे थे मस्ती देखो दोनों एक दूसरे से। और ये सिया ना उसको मार रही थी, उसको छोटे बच्चे बोल रहा था। तो बोले मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बहुत बड़ा बच्चा है मेरा, ऐसी बात पर रो रही थी। बड़े बच्चे हो ना, इधर कर रहे थे ये बेसन की जो चक्की बनानी थी उसकी तैयारी कर रहे थे। इसमें थोड़ा सा ज़रा सा दूध और घी डाल के इसको छोड़ा था 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद में ये दानेदार बनाने के लिए वापस इसको छाना, इसको अच्छे से, उसके बाद में घी डाला और घी डाल के उसको सिकाई करी बेसन की। बेसन की अच्छे से सिकाई करने के बाद में एक साइड तो ये बेसन की सिकाई कर रहे थे, दूसरी साइड मैं बना रही थी चाशनी जो चक्की के लिए चाहिए थी। मैं उनको पूछ के ही बना रही थी सारा, क्योंकि वो ही बना रहे थे आज चक्की। तो मैंने सोचा उनको पूछ के ही बना लेते, कहीं ज़्यादा कम हो जाएगी चीनी तो वो डांट पड़ जाएगी मेरे को बिना वजह ही। एक तार की चाशनी बनानी थी मुझे, चाशनी में फर्स्ट टाइम मैंने चाशनी बनाई और एक दो बार बनाई होगी नॉर्मली तो वो ख़राब होगी, अच्छी नहीं हुई। और जो मैं बना रही हूँ वो अब की बार जो चाशनी थी वो परफेक्ट बनी थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि किसी के डर से भी परफेक्ट बन जाती है वो भी बात होती है। एक बिना डर के काम करते हैं ना तो नहीं होती। ये मैंने डाला इसमें केसर के एक दो, और फिर मैंने इलायची भी डाली चाशनी के अंदर, जिसमें से इसका स्वाद बहुत अच्छे से आता है। मतलब कोई भी मतलब मिठाई भी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं इलायची डालने पर उसका मतलब जो भी बनाते हैं उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो मैं वही काम कर रही थी, चाशनी भी संभाल रही थी और साथ में इलायची भी कूट रही थी। और ये मुझे देख रहे थे, देख मतलब मुझे तो क्या, चाशनी को देख के जा रही थी कि परफेक्ट तो बना रहे हो ना। ये मेरी चाशनी बन के रेडी थी जो आज पहली बार परफेक्ट बनी थी। और ये बेसन सिक रहा था, ऑलमोस्ट सिक गया था, थोड़ा सा बाकी था ये देखो आप। और सिकने के बाद में कलर ही चेंज हो गया इसका, और इससे भी ज़्यादा थोड़ी देर बाद में और कलर चेंज हो जाएगा जब पूरा सिक जाएगा। देखो ये पूरा सिक गया, और ये डाल रहे हैं जिसमें चाशनी, जिससे उसका कलर देखो अलग हो गया। और ये हमारी बेसन की चक्की बनके तैयार है और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, जो आपको ये जो चाकू चल रहा है उससे पता चल रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट है ये। तो सो गाइस, बेसन की चक्की तो बनके रेडी है, जो दिखने में ही आपको लग रहा होगा बहुत टेस्टी लग रही है, यम्मी से लग रही है। जैसी ये दिख रही वैसी ही टेस्टी और यम्मी बनी है। और जो भी घर पे मीठा बनता है तो सबसे पहले मीठे का भोग भगवान जी को लगता है, तो मैं वही काम कर रही हूँ, भगवान के भोग लगा रही हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते एक न्यू व्लॉग के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गणेश कमा।